हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द रेक्टिफायर। तो यहां पर हम सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर की बात करेंगे। इससे पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाए थे इससे पहले के वीडियो में, और इसके बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे। सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब रेक्टिफायर सेंटर टेप्ड में क्या रिक्वायरमेंट होती है, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर रिक्वायर्ड ओनली टू डायोड्स एंड वन सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर टू डायोड्स लगाए हैं हमने इस सर्किट में, और इसके बाद एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर लगा है। ट्रांसफार्मर को बनाते समय विशेष ध्यान दें, ट्रांसफार्मर में गलतियां होती हैं, बच्चे करते हैं। क्या होता है यहाँ पर सेंटर टेप में, यहाँ पर एक तो आपको रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर बनाना है, तो इस तरह से ऐसे ऐसे ना करें, और इस तरह से ऐसे ऐसे ना करें, और ऐसे कर देते हैं और कहते हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर, जो भी बन गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ये बन ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि जब तक ये राउंड नहीं आएगा यहाँ पर, मीन्स इसको बनाते समय विशेष ध्यान देना, इस तरह से यहाँ पर सर्किल बनना चाहिए, और इस साइड में आप लोग फाइव बनाएं, फाइव सर्किल होने चाहिए यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए, और इस साइड में थ्री रखेंगे आप कोई भी ट्रांसफॉर्मर में। इस चीज का विशेष ध्यान दें, ये सर्किल जो बन रहा है, तीन बार सर्किल यहाँ बना, पांच बार यहाँ बना, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। ये प्राइमरी बाइंडिंग है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग है। यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए। तो इसमें बहुत हमने जो है फाइव इधर रखे हैं और थ्री इधर रखे हैं, क्लियर है। और दो लाइनें खींचना ना भूलें, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर को जैसा ये बना है वैसा ही बनाए। अब यहाँ पर जो है सेंटर टेप्ड का मतलब क्या है, इसने कहा सेंटर टेप, सेंटर में टेपिंग कर दी गई है, मतलब सेंटर में, यहाँ पर सेंटर है इसका, तीन बाइंडिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंटर में ही हमने इसका कनेक्शन ले लिया, एक वायर का कनेक्शन ले लिया और उसी को हम उसमें टेप लगा दिए, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। यहाँ पर जो एसी सप्लाई आती है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के इनपुट में एसी होती है, एसी और कितने हर्ज वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है, और 50 हर्ज की फ्रिक्वेंसी आती है जो अपने इंडिया में है। एसी है जो ट्रांसफार्मर के इनपुट में देंगे, एसी पर ही काम करता है, डीसी देंगे तो खराब हो जाएगा, सेकेंडरी बाइंडिंग जल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो आउटपुट में आएगा वोल्टेज, जो ट्रांसफार्मर लगा है ये 909 का ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पर इनपुट में इसके 220 वोल्ट है, तो यहाँ पर 9 वोल्ट आएगा, यहाँ पर 9 वोल्ट और यहाँ पर भी 9 वोल्ट, मीन्स यहाँ पर वोल्टेज जो मिलेगा बीएस मिलेगा, और यहाँ पर भी बीएस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। कब की बात है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे, मीन्स जीरो से पाई की बात है, क्लियर है। तो ये तो हो गया सिंपल जो है सर्किट के डायग्राम में क्या क्या लगा होता है, ट्रांसफार्मर सही से कैसे बनाना है, ये इस तरह से ना करें नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत माना जाएगा। इसके बाद इनपुट एसी आएगी, एसी ट्रांसफार्मर में इनपुट में भी एसी होती है और आउटपुट में भी एसी ही होती है, यहाँ पर भी एसी और यहाँ पर भी एसी, सिर्फ ट्रांसफार्मर इनपुट से आउटपुट वोल्टेज में जो है थोड़ी सा डाउन कर देता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्लियर है। तो अब आती है बात की इस सर्किट की वर्किंग, वर्किंग ध्यान रखिए, वर्किंग में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या, जब हम यहाँ पर बना देते हैं जो इतने की बात कर रहे हैं हम जीरो से पाई की, तो यदि हम यहाँ पर बनाएं जीरो से पाई के बीच में ऐसा वोल्टेज, तो ये हो गया आपका कितना, जीरो टू पाई, इतने वोल्टेज की अभी हम बात कर रहे हैं। जब इनपुट वोल्टेज जीरो टू पाई आएगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, इसका यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से होगा। सप्लाई कितनी आ गई, सप्लाई वोल्टेज कितना है, बीएस, क्लियर है, बीएस मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज। अब यहां पर देखना है इस सर्किट की वर्किंग, ये सर्किट की वर्किंग क्या है, इस सर्किट की वर्किंग समझना है यदि, तो हमको इसको दो केस में समझना होगा, केस फर्स्ट
ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब ए वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, और सेकेंड केस है क्या, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यहाँ पर देखिए जब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस या माइनस, और इस डायोड को ध्यान रखिए, डायोड का ए वाला पी होता है और ए वाला एन होता है, जो ये लाइन होती है एन होती है, जो ट्राइंगल होता है, त्रिभुज बना होता है इसमें, जो पी होता है, पी एन जंक्शन डायोड, क्लियर है। तो ए डायोड इस सप्लाई की वजह से, प्लस माइनस की वजह से फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में, तो ए डायोड जो है प्लस पी पी से कनेक्ट है और नेगेटिव यहां से आके नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ए डायोड किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में, डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस में हो गया इस टाइम। और डायोड डी टू की बात समझते हैं क्या हो गया, डायोड डी टू की बात समझते हैं, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो यहाँ पर पी की जगह ए हो गया और एन की जगह ए हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट, और यहाँ से घूम के आएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, उल्टे कनेक्शन हो गए हैं, ठीक है ना, मींस ए हो गया रिवर्स बायस में। तो डायोड डी वन क्या हो गया, डायोड डी वन हो गया है फॉरवर्ड बायस, और डायोड डी टू क्या हो गया है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस को ही क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या कर जाता है, शॉर्ट सर्किटेड, सी के टी ई डी, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला डायोड रिवर्स बायस में ओपन सर्किटेड, सी के टी ई डी सर्किटेड शॉर्ट में। फॉरवर्ड बायस में जब डायोड होता, आइडियल डायोड की बात चल रही है ये, तो इसको बोलेंगे कि डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया, और इसको क्या बोल सकते हैं कि डायोड ऑफ हो गया, फिजिकली कनेक्ट रहता है, क्लियर है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो इतनी बात स्पष्ट हो गई है, डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस में, डी टू रिवर्स बायस में। अब इसी सर्किट को हमने यहाँ पर बना रखा है कब के लिए, जब यहाँ पर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात आएगी, हमारी केस फर्स्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायोड डी वन क्या हो रहा है भाई, ओपन सर्किटेड हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट, फॉरवर्ड बायस में हो गया तो शॉर्ट सर्किटेड हो गया, मीन्स डायोड ऑन हो गया, इसने अपने अंदर आइडियल डायोड है इसलिए जीरो हो गया रेजिस्टेंस। और ये डायोड डी टू क्या कर रहा है, डायोड डी टू हो गया ओपन सर्किटेड, रिवर्स बायस या ओपन सर्किट या ऑफ हो गया, डायोड डी वन ऑन हो गया, डी टू ऑफ हो गया, कैसे भी समझिए। अब यहां पर था आपका क्या, प्लस, यहां पर था माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, तो ये डायोड्स में करंट कहां से फ्लो होगी, यहां सप्लाई आ रही है, क्या आ रही है सप्लाई, हम बी एस मान लेते हैं, क्लियर है। तो यहां से ऐसे ऐसे आएगा, इस तरह से ऐसे करंट फ्लो होगी इसमें, क्लियर है। तो इस तरह से जो करंट फ्लो होगी, तो इसमें जो करंट आएगी इस तरह से ऐसे आएगी करंट यहाँ, और जब करंट यहाँ पर आएगी फिर यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी, यहाँ से तो डायोड रिवर्स बायस हो चुका है इस टाइम, तो करंट इधर चली जाएगी। इस करंट का नाम क्या होगा, इस करंट का नाम होगा आई एल, लोड में जा रही है, लोड रेजिस्टेंस इसलिए आई है, और करंट इधर से इधर इंटर कर रही है, इसलिए यहाँ बनेगा प्लस और यहाँ बनेगा माइनस, जहां से करंट इंटर करती है वहां प्लस वहां, और जो है पॉजिटिव डायरेक्शन माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आउटपुट वोल्टेज यहीं पर मेजर करेंगे, क्लियर है। तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा यहाँ पर आएगा, लोड रेजिस्टेंस में जो है डायोड लोड में करंट फ्लो हो रही है डायोड डी वन की वजह से, डी वन शॉर्ट हो गया, डी टू ऑफ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, करंट आई एल फ्लो इन आर एल, आर एल में करंट फ्लो होगी आई एल, इसलिए बी नॉट इक्वल टू कितना बनेगा, इसलिए बी नॉट इक्वल टू कितना, आई एल इंटू आर एल बन जाएगा आपका, मतलब लोड में करंट फ्लो होगी, क्लियर है। तो जैसा वोल्टेज यहाँ से आएगा 100% वोल्टेज यहाँ खर्च होना कि डायोड शॉर्ट सर्किटेड हो गया, तो यहाँ पर वोल्टेज जो आएगा बी एस के बराबर ही आउटपुट में आएगा, मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल की आउटपुट वेव फॉर्म यदि खींचना चाहें, तो यहाँ पर जो वेव फॉर्म यदि खींचना चाहें हम, तो यहाँ पर आउटपुट वेव फॉर्म इस तरह से आएगी, देखिए जीरो से पाई के बीच में यहाँ इस तरह से बनेगी, और फाइनल आउटपुट यहाँ पर हम खींचेंगे, कौन सी, फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म, इस पूरे सर्किट की फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म यहाँ। तो अभी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जीरो से पाई के बीच में,
जीरो से पाई के बीच में कैसा मिलेगा, बी नॉट इक्वल टू आई एल इन टू आर एल, तो मैं यहाँ पर जीरो से पाई के बीच में ऐसे बना सकता हूँ वोल्टेज, इतना मिलेगा। कब की बात है, जीरो से पाई टाइम की बात है, क्लियर है। इसमें क्या हुआ है, डायोड डी वन क्या हुआ है, डी वन ऑन, डी वन की वजह से करंट फ्लो हुई है, क्लियर है। और इसके बाद ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जब आए पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो हमें ऊपर वेवफॉर्म मिलेगी, क्लियर है। अब आते हैं जो है के सेकंड, कब, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आएंगे तो यहाँ की कहानी बदलेगी। कब की बात है, इस साइकिल की बात कर रहे हैं, कहाँ से लेके, पाई से टू पाई की बात कर रहे हैं हम, पाई से टू पाई कैसा आएगा सिग्नल, पाई से टू पाई ऐसे हम मान लेते हैं, हमने यहाँ पर इसको बना लिया, यहाँ क्या लिख दूँ मैं, यहाँ पर पाई लिख दूँ, यहाँ पर टू पाई लिख देते हैं, तो जीरो था ही, क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर ये कौन सी साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है, इसकी बात कर रहे हैं पाई टू टू पाई के बीच में इस साइकिल की, तो ये हमने यहाँ बना ली। अब यहाँ पर कहानी बदल जाएगी क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस। अब देखिए पी एन तो ये फिक्स है, पी एन पी नेगेटिव से कनेक्ट हो, नेगेटिव यहाँ से यहाँ, यहाँ से देखें तो पॉजिटिव से कनेक्ट हो, और इसको देखें तो P पॉजिटिव से कनेक्ट हो, इधर से यहाँ इसका नेगेटिव देखें यहाँ से तो नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, तो डायोड D2 क्या हो गया, डायोड D2 क्या हो गया, डायोड D2 क्या हो गया भाई, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, और ये डायोड D1 क्या हो गया, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में का मतलब क्या है, रिवर्स बायस का मतलब क्या, ओपन सर्किटेड सी के टी ई टी, और इसका मतलब क्या है, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड, ओपन सर्किटेड का मतलब क्या होता है, ऑफ हो गया, और शॉर्ट सर्किटेड का मतलब क्या होता है, ऑन हो गया, वही बात लिखी जो यहां लिखी थी, सिर्फ डायोड, डायोड डी वन क्या हो गया, डायोड डी वन की बात बताओ, डायोड D1 जो यहाँ लगा था, डायोड D1 क्या हो गया, रिवर्स बायस, ओपन सर्किटेड या ऑफ हो गया, तो ये तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा डायोड D1, यहाँ ओपन हो गया सर्किट। डायोड D2 क्या करेगा भाई, डायोड D2 क्या लिखा हमने, शॉर्ट सर्किटेड हो गया, शॉर्ट सर्किटेड या ऑन हो गया डायोड। अब इसमें यहाँ पर क्या था, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये चिन्ह लगा देने हैं यहाँ पर। अब इसमें करंट कहाँ से फ्लो होगी, ये तो ओपन सर्किट है, इसमें तो करंट आनी नहीं है, करंट प्लस टर्मिनल से चलेगी, यहाँ से सप्लाई बी एस आ रहा है या बी एस आ रहा है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज, यहाँ से करंट इधर से इधर जाएगी, फिर यहाँ जाएगी तो इस चीज कहाँ जाएगी, यहाँ तो ओपन सर्किट, यहाँ नहीं जाएगी, तो करंट इधर से इधर फ्लो होगी, उसका नाम क्या होगा, आई एल, लोड में फ्लो हो रही है इसलिए हमने आई एल रखा। करंट इसमें भी देखिए, ध्यान रखिए पॉइंट यही है, करंट इसमें भी इधर से जा रही है लोड में, और इसमें भी इधर से ही जा रही थी, दोनों ही साइकिल में, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल आए चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल आए, लोड रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है, तो यहाँ क्या बनेगा, प्लस यहाँ माइनस, तो आई एल की वैल्यू सेम है दोनों केस में, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई थी तब, वो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है तब भी, क्लियर है। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई तब भी आउटपुट वोल्टेज बी नॉट आया है, ऊपर को ही बनेगा मीन्स, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई यहाँ पर, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ पर कहाँ बना है क्वेश्चन उठता, हम नीचे बनाए कि ऊपर बनाए, तो ये निश्चित तौर पर जब इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई है, जीरो से ऊपर ए थी, तो जीरो से ऊपर ही नेगेटिव हाफ साइकिल में भी बनेगी, जीरो से ऊपर ये वाली भी साइकिल ऐसे ही बनेगी, कहाँ से, जीरो से पाई और पाई से टू पाई के बीच में। यहाँ पर क्या होगा, अंतर क्या है, यहाँ पर सिर्फ जो लिखने का अंतर है, डी टू क्या हो गया, ऑन हो गया, D1 ऑन हो गया, D2 ऑफ हो गया, यहाँ पर क्या, D2 ऑन हो गया, तो D2 ऑन लिख दिया तो D2 ऑफ अंडर स्टोर है, क्लियर है। तो ये तो हो गई है इसकी वर्किंग, आउटपुट वेव फॉर्म खींच दी, इतना ही एग्जाम में लिखना है जितना ये लिखा है, इसके लिए कोई सेंटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो सेंटेंस बनाने थे हमने शॉर्ट में ये लिख दिया कि डायोड फॉरवर्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा,
क्या नहीं होगा, फाइनल आउटपुट वेब फॉर्म है। ये वर्किंग हमने आपको समझाई है सिर्फ एक साइकिल को, एक साइकिल को लेके, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल, एक साइकिल के लिए समझाया हमने, क्लियर है। एक साइकिल का मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, बस। अब यहाँ पर यदि ये सिग्नल तो हमेशा चलता ही रहेगा ना, ये सिग्नल जो है जो यहाँ से आएगा ट्रांसफॉर्मर से, ये सिग्नल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो और अब देखिए ये इतना हो गया एग्जाम के लिए, इतना ही अब एक्स्ट्रा बता दें, ये साइकिल फिर ऐसे चलेगी, ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 3π, यहाँ कितना 4π, यहाँ कितना 5π, यहाँ पट्टी ले लो, इससे ऐसे ऐसे गिरा लें हम, इससे ऐसे गिरा लें, इससे ऐसे गिरा लें। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, नेगेटिव हाफ साइकिल आई। तो यहाँ पर कैसी बनेगी वेव फॉर्म, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई थी तो ऊपर बना था, तो इसमें भी ऊपर ही बनेगा, साइज उतना ही रहेगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, D/Y क्या रखेंगे, ऑन हो गया। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई थी, ये नेगेटिव लिखना है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई थी तो क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल, तब भी नेगेटिव साइकिल में ऊपर ही बना था। ऊपर क्यों बना ये समझ लेना है, क्यों, क्योंकि ऊपर इसलिए बना, D2 ऑन होगा यहाँ, इसलिए ऊपर बना क्योंकि लोड रजिस्टर RL में करंट की डायरेक्शन नहीं बदल रही है, करंट की डायरेक्शन इससे इधर ही जा रही है हमेशा, इसलिए ये जीरो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बना सकते, इसलिए दोनों ही साइकिल में ऊपर बनी। जबकि पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ वेव रेक्टिफायर तो मिलती ही नहीं थी, नीचे की साइकिल कट हो जाती थी, हाफ साइकिल कट हो जाती, इसमें पूरी साइकिल में कहीं नहीं कट हुई, सब ऊपर ऊपर हो गई है, क्लियर है। ये सिंपल वर्किंग बता रहे हैं हम अभी, ये अब इसके बाद यहाँ पर क्या, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर ऊपर ही बनेगा, ये साइज सबका बराबर होगा, इसका भी साइज उतना, इसका भी साइज उतना ही रखना, कम बढ़ना होने पाए, क्योंकि पूरा का पूरा वोल्टेज जो सप्लाई सभी इसमें ही खर्च हो रही है, सिर्फ आइडियल डायोड में, आइडियल डायोड कंसीडर किया है तब। यहाँ पर क्या होगा, D1 ऑन हो गया, यहाँ पर T हो गया, यहाँ पर T हो गया। तो ये चाहे जितनी साइकिल चलती रहे, कितनी भी साइकिल, वर्किंग खत्म, क्लियर है। ये हमने जो आपको समझाया सिंपल बिल्कुल वर्किंग, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसकी वर्किंग का, कौन डायोड क्या करता है, इसका इसमें जो है बहुत काम होता है, इसका डेरिवेशन हुआ करता है, क्लियर है ना। इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल डेरिवेशन पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, लोड करंट कितनी है, IL=BS/RL, B≠BL=BS के बराबर होता है जितना वोल्टेज होता है, IDC होता है, DC, ये DC बन गई है पल्सेटिंग DC, IDC पूछे कितनी है, तो 2IM/π, अभी कहाँ से आ रहे हैं वो बात की बात है। BDC पूछे कि आउटपुट में वोल्टेज कितना मिल रहा है, IDC का मतलब है जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, और BDC क्या है, BDC का मतलब है, तो इसका फॉर्मूला क्यों, B=I×R होता तो IDC×RL, IDC 2IM/π × RL, क्लियर। IRMS IM/√2, BRMS BM/√2 वही हो जाएगा। तो PDC=P=, होता है I²×R, P= कितना होता है, P=B×I होता है वैसे तो, और P= कितना हो जाएगा, I²×R, या P= कितना हो जाता है, P=BI, I=B/R, B²/R भी, तीन फॉर्मूला बनते हैं, लेकिन PDC ये वाला लेना, I²×RL, क्लियर है, I²×RL। तो PDC कितना हो गया, IDC का स्क्वायर, I तो IDC है ना, DC बन गई ना आउटपुट में, आउटपुट का है सब मेजरमेंट, IDC का स्क्वायर इंटू RL, PAC=BIRMS×RL, MS, तो IRMS कितना, BM/√2 था, तो IRMS का स्क्वायर इंटू RL, AC के लिए KF फॉर्म फैक्टर होता है, KF 1.1 बनाता है, सेंटर टेप रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 0.4 बनाता है, इफिशेंसी 81% आती है इफिशेंसी सेंटर टेप की, जबकि उसकी आती थी 41-42%, क्लियर है। तो इसकी इफिशेंसी बहुत बढ़ गई हाफ वेव रेक्टिफायर से। पीक इनवर्स वोल्टेज कितना, 2×BS, जो BS की वैल्यू थी वो जो है पीक इनवर्स वोल्टेज 2BS है, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इसका जो है पीक इनवर्स वोल्टेज बहुत हाई होता है, इसलिए हाई रेटिंग का ट्रांजिस्टर हमें डायोड यूज करना पड़ता है, और डायोड हाई रेटिंग का महंगा पड़ता है, इसलिए कॉस्टली होता है। और इसके बाद TUF का हो सकता है,
ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, मीन्स ट्रांसफार्मर की कितने परसेंट आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो 69.2% ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन है। क्लियर है? तो ए वाला देखिए, अब क्वेश्चन होता है ये कहाँ से आएंगे, डायरेक्ट रटने के लिए आ जाएंगे, लिखने के लिए तो हमने इतना लिख दिया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है। जिसको सिलेबस में ना हो वो सिर्फ इतना पढ़ें, जिसके सिलेबस में हो इस पर ध्यान दें, और इस बात को देखना है तो हमारा एक जो होगा सेंटर टेप रेक्टिफायर की एनालिसिस। क्लियर है? जितने मैथमेटिकल डेरिवेशन हैं वो उस वीडियो में देखना पड़ेगा आपको। ये सिंपल वर्किंग थी अभी सेंटर टेप रेक्टिफायर की, और सेंटर टेप रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर होता है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो है बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए महंगा पड़ता है सर्किट, और हाई रेटिंग के डायोड भी यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि इसका पीक इनवर्स वोल्टेज टू बी ऐसा आ रहा है, जितना सप्लाई है उसका दोगुनी रेटिंग का चाहिए, तभी वो जो है रिवर्स बायस में और फॉरवर्ड बायस में वो ऑफ रह पाएगा, नहीं तो रिवर्स बायस में ही ब्रेक डाउन हो जाएगा जंक्शन का, तो करंट वहां भी फ्लो करा देगा, तब तो डीसी बन ही नहीं पाएगी। यदि जंक्शन का ब्रेक डाउन हो गया रिवर्स बायस में तो वो ऑन हो जाएगा डायोड, इसलिए यहाँ पर डायोड की रेटिंग बहुत हाई चाहिए। जितनी बीएस की सप्लाई आएगी यहाँ पर 9 वोल्ट तो 80 वोल्ट वाली रेटिंग का चाहिए, वो ट्रांजिस्टर वो डायोड भी महंगा हो जाएगा और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगते हैं, इसमें 2 ही डायोड लगे हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर जब पढ़ेंगे तो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज बीएस के बराबर आएगा, इसलिए इसका सेंटर टेप रेक्टिफायर का ड्रॉबैक है, पूछा जाता है इंटरव्यू में भी कंपटीशन में भी, इसका ड्रॉबैक बताओ, इसका एडवांटेज बताओ क्या है, इसलिए। और ये मैथमेटिकल डेरिवेशन आपके आते हैं एग्जाम में, और अगर कंपटीशन में तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट पूछ लेता, ये याद होनी चाहिए, डायरेक्ट लाइन होनी चाहिए कि इसकी इफिशियंसी कितनी होती है सेंटर टेप रेक्टिफायर के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू।